हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम 9.3 का प्रूफ करेंगे। देखो क्या है थ्योरम 9.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, एक सर्किल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ किस पे, कोड पे, तो बाइसेक्ट कर दिया कोड को। यानी कि अगर मैं एक कोड बना दूं सर्किल में, ये कोड मान लो ए बी, ठीक है, यहाँ तक है सिर्फ, ठीक, और इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है ओ। इस सेंटर से अगर मैं इस परपेंडिकुलर इस कोड पे क्या बना दूं, परपेंडिकुलर बना दूं, तो ये इस कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ये कहना चाह रहा है। तो मेरे पास गिवन में क्या है, मेरे पास गिवन में है सिर्फ इतना कि अगर इसे मान लो ओ सी, क्या मान लो इस पॉइंट को सी, तो मेरे पास है ये ओ सी परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे, मतलब यहाँ 90 एंगल बन रहा है, ठीक। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो कोड मैंने, ये जो मैंने बनाई है ओ सी, इस कोड ए बी पे, ये सब बाइसेक्ट कर दिया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाइसेक्ट कर दिया कोड को, ठीक है। परपेंडिकुलर कोड बनाई है सेंटर से, लेकिन वो उस कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी कि ये दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में बराबर, ये मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है ए सी किसके बराबर होगा, सी बी के, बोलो ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें थोड़ा सा कर लूंगा कंस्ट्रक्शन, क्या कर लूंगा कंस्ट्रक्शन, उसमें हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे किसको, ओ ए को और ओ बी को। आप लिखोगे इसमें कि ज्वाइन करेंगे हम किसको, ज्वाइन किसको, ओ ए को और ओ बी को, बोलो ठीक है। तक ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, अब मैं करने वाला हूं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, देखो एक तो इधर वाला ओ सी है, ये वाला, दूसरा बना देता हूं मैं रेड से, कौन सा वाला, ये वाला, ये दोनों को करूंगा मैं कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए सी बराबर सी बी अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो हम यही करने वाले हैं, तो हम प्रूफ कर रहे हैं स्टार्ट। प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ओ ए सी, इसका ओ बी सी, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड दूसरा कौन सा है ट्राइंगल ओ बी सी में, तीन पार्ट बराबर करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, सुनो, ये दोनों बराबर है, बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि सर्किल एक ही सर्कल की रेडियस है, लिख दो साफ साफ, ओ ए बराबर किसके, ओ बी के, क्यों, रेडियस है, रेडियस इक्वल होती है सर्किल में कितनी बना लो। और सुनो, ये ओ सी कॉमन नहीं हो गई, ये ओ सी क्या हो गई, इसमें इसके लिए भी काम कर रही है और उसके लिए भी काम कर रही है, दोनों के लिए, ओ सी बराबर ओ सी, क्या लिखोगे इसे, कॉमन। थर्ड क्या लिखोगे, थर्ड लिखोगे इधर अगर 90 बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा, 90, क्योंकि पूरा 180 का एंगल होता है, उधर 90 तो इधर भी 90। क्या नाम है इस एंगल का, ओ सी ए, और इसका नाम क्या नाम है, ओ सी बी, लिख दोगे एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ सी बी, क्यों, दोनों कैसे एंगल बन रहे हैं, 90 के। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बताना जरा, बता कौन सी प्रॉपर्टी लग गई। देखो आपने ये तो एक तो ये लिया, देखो ये है हाइपो, ठीक है, ये है साइड और ये राइट एंगल, आर एच एस लगी है इसमें, ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी, बाय आर एच एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्राइंगल के, ओ बी सी के। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बोलूंगा बाय सीपीसीडी, किससे, सीपीसीडी से, बताओ क्या बोलूं, सीपीसीडी से बोलूंगा ये ए सी और सी बी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, ए सी बराबर सी बी, ठीक। अगर ए सी और सी बी बराबर है मतलब ये लाइन इसे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो आप ले सकते हो दिस इंप्लाइज ओ सी बाइसेक्ट कोड ए बी, हैंस प्रूव्ड, मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक। अगर अब भी कोई डाउट रह गया आपको इस थ्योरम के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।